तो लोकसभा के आखिरी चरण का मतदान कल यानी कि 1 जून को होना है। ऐसे में मतदान से एक दिन पूर्व जहानाबाद के एसएस कॉलेज में बने क्लस्टर सेंटर पर डीएम और एसपी की मौजूदगी में ईवीएम और मतदान से जुड़े सामग्री का वितरण किया गया। इससे पूर्व डीएम एसपी ने मतदान कर्मियों को ब्रीफ किया और चुनाव से संबंधित जानकारियां भी दी। तो वहीं इस दौरान डीएम ने क्लस्टर सेंटर का घूम घूम कर जायजा लिया। घोशी और मखदुमपुर में आज डिस्पैच का कार्य चल रहा है। तीनों जगहों पर लगभग 80% से ऊपर पार्टियां ऑलरेडी अपने बूथ के लिए सिक्योरिटी के साथ में निकल गई हैं और बाकी भी जो है वो 1-1.5 घंटे में कार्य पूरा हो जाएगा और सभी लोग अपने अपने बूथ पर पहुंच जाएंगे। सभी लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि ईवीएम की सुरक्षा अति महत्वपूर्ण है, तो ईवीएम के साथ में सिक्योरिटी और पोलिंग पार्टी हमेशा साथ साथ में बने रहेंगे। कहीं पर भी अकेला छोड़ करके सिक्योरिटी जो को नहीं छोड़ेंगे या पोलिंग पार्टी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और इसके अलावा जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, अगर कहीं पर कोई कमी है तो वो हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं, उसकी भी सुविधा आज और उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा जो पोलिंग पार्टी को निर्देश है मॉक पोल, एक्चुअल पोल से रिलेटेड या वीटीआर एनसी से रिलेटेड, सभी ऑलरेडी कल ज्वाइंट ब्रीफिंग के समय दिए जा चुके हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए क्या तैयारी की गई है? इसके लिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि सभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा 26 क्यूआरटी की टीम्स बनाई गई हैं पुलिस के द्वारा, जो किसी भी सतह की समस्या होने पर 10-15 मिनट के अंतराल पर घटनास्थल पर पहुंच जाएंगी और अपना रिस्पॉन्स देंगी। इसके अलावा सेक्टर और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी दोनों ही जो अपने 10-12 मतदान केंद्र हैं उस एरिया में पूरी तरह से भ्रमणशील रहेंगे और